तो मैंने या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एंटोनियो लोपेस हबास रिज़ाइन कर देंगे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द हेड कोच ऑफ एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब। ऑल दो जो लास्ट गेम थी एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी, उसके पोस्ट मैच इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहे थे एंटोनियो लोपेस हबास, साइटिंग दैट हिज टीम हैज़ लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। तो शायद से इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने रिज़ाइन किया या फिर समथिंग एल्स ट्रांसपायर्ड दिस डिसीजन, तो इट्स ऑल इन द डार्क, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए मैनुअल परेस इज द इंटरिम हेड कोच ऑफ एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब। तो इट्स अ बिग जॉब फॉर मैनुअल परेस एट द मोमेंट, क्योंकि एटीके मोहन बगान फुटबॉल क्लब इज ऑनेस्टली इन अ बिग मेस। हेड कोच भी अब छोड़ के जा चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैनुअल परेस को जो टीम का माइंडसेट है उसे सही ठिकाने पर लाना होगा। उसके बाद ही हैज़ टू फाइंड द राइट बैलेंस, जो कि मेरे हिसाब से हबास भी नहीं ढूंढ पा रहे थे इस एटीके मोहन बगान के स्क्वाड में। तो ही हैज़ टू फाइंड द राइट बैलेंस और इस टीम को वापस लाना पड़ेगा मैनुअल परेस को ट्रैक पे। तो ऑल दो इज़ द इंटरिम कोच और मैनेजमेंट लग गई है अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट ढूंढने में एंटोनियो लोपेस हबास के लिए, तो देखते आगे क्या बनेगा इसमें। अब बात करेंगे एटीके मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वाले मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा 21 दिसंबर शाम 7:30 बजे से। आप लोग इसे स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार और जियो टीवी के ऊपर देख सकते हैं। तो बात करेंगे दोनों ही टीम्स की रैंकिंग के बारे में आईएसएल टेबल में। तो एटीके मोहन बगान की टीम है 6th रैंक पर और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम है 7th रैंक पे। तो अपने पिछले 4 मैचेस में केवल 2 ही पॉइंट्स पाए हैं एटीके मोहन बगान की टीम ने, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने कल शाम को ही एससी ईस्ट बंगाल एफसी को हराया 2-0 के मार्जिन से। तो की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं या फिर बात करूं प्लेयर्स टू लुकआउट फॉर इन बोथ द टीम्स, तो एटीके मोहन बगान के की प्लेयर्स है रॉय कृष्णा, ह्यूगो बोमोस और लिस्टन कुलासो, और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है खासा कमारा, क्रूर और वीपी सुहैर। अब गाइस बात करेंगे दोनों ही टीम्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो एटीके मोहन बगान का पॉसिबल प्लेइंग 11 होगा कुछ ऐसा, और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट का पॉसिबल प्लेइंग 11 होगा कुछ इस प्रकार का। तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो, मिलते अगली वीडियो में। Peace out.